हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। फ्रेंड, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मेरी तरफ से प्यार भरा गुड इवनिंग। तो आज का ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। और ये देख सकते हैं, लहसुन छिल रही है क्योंकि आज बनाएंगे आलू पराठा। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और चलिए दिखाते हैं हम लोग पराठे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, पराठे के लिए अभी मसाला रेडी करेंगे और ये मसाला के लिए लहसुन लिए हैं और ये 2 सूखा मिर्ची है और इधर ये जीरा गोल की है, तो इसी को पीसते हैं। और थोड़ा सा झाल बनाएंगे इसीलिए ये 2 मिर्चा लिए हैं, ये टुकड़ा टुकड़ा कर लिए हैं, आधा आधा कर लिए हैं। तो चलिए मसाला को रेडी करते हैं। देखते हैं पराठे के लिए, इधर आटा रेडी कर रही है। ये रहा आलू, आलू को हमने सीजने के लिए दिया था, ये सीज चुका है, तो इसको पहले ठंडा होने देते हैं, इसके बाद। फ्रेंड, अब पराठे के लिए पहले आलू रेडी करेंगे। देख सकते हैं तेल गरम हो चुका है, तो सबसे पहले पिसा हुआ मसाला को फ्राई करेंगे। पानी मत डालो, हल्का पानी डालेंगे, ये हल्का पानी डालें, स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छा से फ्राई करेंगे। इसका खुशबू बहुत अच्छा है, थोड़ा सा फ्राई करना। इसके बाद ये आलू को थोड़ा सा टुकड़ा टुकड़ा किए हैं, ये आलू डालेंगे इसमें। फ्रेंड, ये देख सकते हैं ये आलू बन के तैयार है, अब पराठा बनाएंगे। अभी इधर आटा भी रेडी है। ये देख सकते हैं पराठा तैयार है, आलू पराठा बहुत ही नरम गरम है अभी। आज ना पराठा बनाने के टाइम में पूरा तेल का छिट्टा पड़ गया और इसको आँख में लग गया और पूरा रोने लगी। किधर लगा? हाँ पे, हाँ अंदर।
तेल ना तवा में डालें और पराठा को जोर से तवा में पटक दें, जैसे रोटी हम लोग रखते हैं उसी तरह। मोटा था तो हमसे धीरे धीरे रखेंगे तो पलट जाएगा, टूट जाएगा, तो इसलिए जोर से हम पटक दें। और वो सामने बैठी हुई थी तो तवा में जितना भी तेल था सब छिटा यहाँ पर आ गया। दो तीन बूंद बहुत सारा अभी अभी लग रहा है, अभी ठीक हो गया ना? अंदर में जल रहा है और यहाँ भी जल रहा है। अच्छा ठीक है, हम जानबूझकर नहीं किए हैं और तेल का छिट्टा पड़ गया, उसके लिए सॉरी। सॉरी का ना पड़े, जानबूझ के तो नहीं किए। हाँ तो वो सामने बैठी थी ना, हमको नहीं पता था तेल का छिट्टा पड़ जाएगा, तो पूरा रुला दिए। हाथ बटा रही थी बेचारा, आलू आलू उसमें भर रही थी, गोल गोल बना रही थी और इसको दो मिनट में रुला दिया। चलो होता है ऐसा, अंडा उंडा फ्राई करते हैं तो हम लोग कभी छिट्टा पड़ जाता है, पूरा फूट जाता है। हाँ उस टाइम इधर लग जाता है, मछली फ्राई करते हैं तो हाथ जल जाता है, तेल का जो छिट्टा है ना सब लग जाता है। तो चलिए पराठा बन के तैयार हो गया। फ्रेंड रात का खाना पीना हम लोग का हो गया और अभी टाइम हो रहा है 10, और आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोग से मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जोहार और गुड नाइट।